हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और थैंक यू सो मच मेरे लास्ट व्लॉग देखने के लिए। आज का हमारा व्लॉग है ट्रैवल व्लॉग, और हम जाने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। और आए चलते हैं, आपको भी घुमाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। अभी मैं हो रहा हूँ तैयार, और तैयार होने के बाद मैंने पी थोड़ी सी चाय और मैं निकल पड़ा बस स्टॉप की तरफ। बस में बैठ गया था, अब मैं थोड़ा सा लेटने लगा था क्योंकि रात बहुत थी। अब मैं इंतज़ार करना लगा लाहौर पहुँचने का। सो फाइनली मैं पहुंच गया था लाहौर ठोकर पर, और वहां से लिया मैंने एक रिक्शा, और मैं चाकर आजम अंडरपास से होता हुआ पहुंचा पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ। और भाई ने मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी के चौक पर उतार दिया, और इसके सामने आप देख सकते हैं एक शेख जायद हॉस्पिटल भी है, और सामने पंजाब यूनिवर्सिटी का बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं। और अभी हम इंटर होने वाले हैं गेट नंबर 2 से। हम इंटर हो चुके हैं और हमें यूनिवर्सिटी वेलकम कर रही है, और हम यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने आते हैं भाई, ऐसी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। अब ये फैकल्टी ऑफिस है, फैकल्टी सेंटर से फिर मैं पहुँचा सेंटर हाई एनर्जी फिजिक्स, ये उसके बाद में पहुँचा स्कूल ऑफ बॉटनी, और इन्होंने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया। और फिर मैं गया, यहाँ से आगे निकला, और सामने बहुत अच्छा व्यू था, और इसके सामने एक स्कूल ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और उसके बाद और बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। नेक्स्ट ये था इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी, और उसके बाद मैं पहुँचा एक मेन रोड की तरफ, और वहाँ पर थी ये बिल्डिंग, मुझे समझ नहीं आई, मैं गया इसके नज़दीक। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब नज़दीक जाकर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये था पानी वाली टैंकी। अभी इसके बाद मैं पहुंचा दूसरे डिपार्टमेंट के पास, मैं काफ़ी थक गया था, काफ़ी चला मैंने, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी और बहुत इंजॉय किया मैंने यहाँ पर। इसके बाद एक ओपन एरिया था, वहाँ पे बाहर आप जा सकते थे मगर इंट्री अलाउ नहीं थी। उसके बाद मैं वापस चला आया दूसरे गेट की तरफ, और यहाँ पर आप टूल प्लाजा एक छोटा सा देख सकते हैं, मगर ये फ्री है। और इसके बाद एक इकबाल की पोइट्री लिखी हुई, निगाह सखन दिल नवाज यही पुरसोज, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। आह क्या पोइट्री है, इकबाल भाई जिंदाबाद। अपनों ने लूटा, अपनों ने लूटा हेरों में कहा दम था, अपनों ने लूटा हेरों में कहा दम था, अपनों ने लूटा हेरों में कहा दम था, किश्ती डूबी वहाँ पानी कम था। अब मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आया था, वो भी गेट नंबर 1 से। अब मेरे यहाँ तक था मेरा आज का यूनिवर्सिटी का सफ़र। अब मैं जाने लगा था अपने घर, और मैंने लिया वहाँ से रिक्शा, और मैं चलता गया बस स्टॉप की तरफ। बस स्टॉप पर जाने से पहले वहाँ पर आता था एक मेट्रो स्टॉप, मगर मैंने कहा चले आपको वो भी दिखा देते हैं। अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में आएगा आपको ज़रूर उसका व्यू करवाते हैं। चलो भाई चलते हैं। सो भाई हम पहुंच गए भाई, मैंने इधर ना तो मेट्रो देखी है और ना इसमें कोई सफ़र किया है, ख्वाहिश ही रह गई है बस, वो भी पूरी करेंगे। आई होप आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।